हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो मूस की इंस्टेंट रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने 10 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट लिया है, गुड डे बिस्किट लिया है यहाँ पर मैंने। आप चाहो तो कोई भी बिस्किट जो आपको पसंद हो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस बिस्किट को यूज़ करोगे बटरी बाइट फ्लेवर का तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसी बिस्किट को यूज़ कीजिए। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कांच का ग्लास लिया है, अब हम इसमें लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हम बिस्किट क्रम्स ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच, और इसको स्पून की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए सेट करेंगे। और ये लेयरिंग आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मैंगो पल्प। यहाँ पर मैंने एक पका हुआ आम लिया था और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है, 2 बड़े चम्मच मलाई ऐड करी है, और थोड़ी सी शुगर ऐड करी है, और तीनों को साथ में ही पीस लिया है। क्योंकि मैंने जो मिल्क पाउडर ऐड किया था उसमें शुगर नहीं थी। अगर आप जो मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हो उसमें शुगर हो तो आप उसमें अलग से शुगर ऐड मत कीजिए। अब मैंने यहाँ पर 3rd लेयर करी है फ्रेश मलाई की, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसकी जगह व्हिप्ड क्रीम भी ऐड कर सकते हो। ऐड करेंगे मैंगो स्लाइसेस। और सेम वही लेयरिंग रिपीट करेंगे बिस्किट क्रम्स की, और इसको स्पून की हेल्प से हम हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। ऐड करेंगे मैंगो पल्प, और उसके ऊपर से हम मैंगो स्लाइसेस ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसको ऊपर से टूटी फूटी से भी गार्निश कर सकते हो, और ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हो। और यहाँ पर मैंगो मूस बनकर तैयार है। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। मैंगो मूस बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है, तो गर्मी के इस सीज़न में आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ लवली डे।